इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 9 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2012 में इंडियन स्पेस एजेंसी ने सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया। देश दुनिया के इतिहास में 9 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1303 में फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ ने पोप बोनीफेस अष्टम को इटली के अनाग्नि शहर में बंधक बनाया था। 1776 में आज ही के दिन अमेरिकी संसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आज ही के दिन 1850 में हुआ था। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। आज ही के दिन 1915 में भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच उड़ीसा के काप्टेबाड़ा में संघर्ष हुआ था। 1920 में आज ही के दिन अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हुआ था। कला मर्मज्ञ तथा चिंतक आनंद कुमार स्वामी का निधन आज ही के दिन 1947 में हुआ था। आज ही के दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 1950 में आज ही के दिन यूरोपीय देश फ्रांस में बड़े पैमाने पर कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म आज ही के दिन 1967 में हुआ था। आज ही के दिन 1968 में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आर्थर एस यूएस ओपन जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बने थे। 1998 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की प्रकरण पर स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार ने अपनी बहुचर्चित रिपोर्ट कांग्रेस को प्रेषित की थी। आज ही के दिन 1999 में भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता था। 2002 में आज ही के दिन पीट सम्प्रास ने आंद्रे अगासी को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस खिताब जीता था। आज ही के दिन 2004 में फिलीपीन के प्रधानमंत्री अहमद कुरोई ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2005 में आज ही के दिन चीन के बीजिंग स्थित छायोयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आज ही के दिन 2006 में अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कनेबरल स्पेस सेंटर से अंतरिक्षयान अटलांटिस ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 2008 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा लोक वार्ताकार डॉक्टर अर्जुनदास केसरी को साहित्य महोपाध्याय अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 2009 में रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी। 2012 में आज ही के दिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया था। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।